रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो तमाम जोड़ियां हैं जिनके प्यार के किस्से अधूरे रह गए। इन्हीं में से कई ऐसी जोड़ियां भी रहीं जिनके आइकॉनिक गाने अक्सर ही फैंस के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी धूम मचाते हैं। आज हम यहां पर आपको एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं जहां पर यकीनन ही इस किस्से को जानने के बाद आप सभी हैरान हो जाएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत दीवा और धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित ने हाल ही में एक ऐसा काम कर डाला है जिसे यकीनन जानने के बाद आप सभी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये तो आप सभी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित जो है काफी ही बेहतर क्लासिकल डांस करती हैं। माधुरी दीक्षित जब भी थिरकती हैं तब हर किसी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उन पर होती हैं। हाल ही में मौका रहा डांस दीवाने का जहां पर गोविंदा और माधुरी को देखा गया। जी हाँ, गोविंदा माधुरी से यहाँ पर एक फरमाइश करते हैं और वो फरमाइश ये होती है कि माधुरी कथक डांस करे। अब माधुरी भी यहाँ पर जो गाना चुनती हैं उससे यकीनन ही ऐसा लगा कि नाच नाच कर थिरक थिरक कर माधुरी ने सलमान और ऐश्वर्या को एक बार फिर से एक कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में माधुरी दीक्षित जो है डांस दीवाने के सेट पर अलवेरा सजन पर डांस करती हैं। जी हाँ, ये गाना आपको बता दे कि हम दिल दे चुके सनम का था जहां पर सलमान और यहां ऐश्वर्या को देखा गया था। ये फिल्म सलमान और ऐश्वर्या के लिए उनकी आखिरी फिल्म बन जाएगी ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। इसके बाद कहानी बदलती गई, नए मोड़ आते गए और रिश्तों में दरार पड़ गई। मगर खैर, अलग हुए काफी लंबा समय हो चला है। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में डांस दीवाने के सेट पर माधुरी दीक्षित जब यहां पर इस गाने पर परफॉर्म करने लगी तब यहां पर ऑडियंस भी सलमान ऐश्वर्या की हूटिंग करते देखे गए। गोविंदा यहां पर खुद मंच पर आए और गोविंदा भी इस गाने पर थिरकते देखे गए। कहीं ना कहीं कुछ गाने ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आइकॉनिक बन जाते हैं कि जब भी इन गानों का जिक्र होता है तब यहां पर बिछड़े प्रेमियों का मिलन देखा जाता है। हालांकि ऐश्वर्या और सलमान की राहें जो हैं वो कई सालों पहले ही जुदा हो गई थी। सलमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़े या नहीं बढ़े मगर ऐश्वर्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। जी हाँ, ऐश्वर्या आज बच्चन परिवार की बहू है, यहाँ पर वो एक बेटी की माँ है। ऐसे में दोनों को बिछड़े हुए समय तो हो गया मगर आज भी कहीं ना कहीं दर्शक भी यही चाहते हैं। हमारे पास खूब डिमांड्स आती हैं, हमारे पास तमाम तरीके की फैंस डिमांड करते हैं कि कोई ऐसी एक फिल्म होगी जहाँ पर सलमान और ऐश्वर्या एक साथ देखे जाएंगे। ऐसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियाँ हैं जिनके प्यार के अफसाने अधूरे रह गए और फैंस अब भी उन्हें साथ देखना चाहते हैं। तो हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि माधुरी दीक्षित ने चाहते या फिर ना चाहते हुए नाच नाच कर सलमान और ऐश्वर्या की यादों को ताजा किया। सलमान और ऐश्वर्या के बिछड़न को एक बार फिर से उन्होंने फैंस के लिए यादगार बना दिया। और कहीं ना कहीं अगर अब माधुरी की बात करें तो माधुरी दीक्षित के डांस और उनकी खूबसूरती का दीवाना तो पूरा जग है, पूरा संसार है। जब यहाँ पर सेट पे माधुरी ठुमके लगा रही थी तब आपको बता दें कि हर किसी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ माधुरी के डांस पर रही। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।